हेलो बच्चों, आज हम सौर मंडल के भाग दो पे चर्चा करेंगे और इस वीडियो में हम सौर मंडल के ग्रहों पे चर्चा को जारी रखेंगे। इसके अलावा हम सौर मंडल में चंद्रमा, शुद्र ग्रह और उल्का पिंड पे चर्चा करेंगे और साथ ही साथ हम मानव निर्मित उपग्रह पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम सौर मंडल के ग्रहों से। तो अब हम चर्चा करेंगे यूरेनस पे। बच्चों, यूरेनस के भी चारों तरफ छल्ला होता है और सूर्य से दूरी के अनुसार ये सातवां ग्रह है जो आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, आकार की दृष्टि से अगर हम बात करें तो ये तीसरा बड़ा ग्रह है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा को सौरमंडल पे जारी रखते हुए अब चर्चा करेंगे नेपच्यून पे। बच्चों, ये आकार और बनावट में यूरेनस के समान ही होता है और अगर बात करें आकार के दृष्टिकोण से तो ये चौथा बड़ा ग्रह है। बच्चों, अभी तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में ये निर्णय लिया कि कुछ समय खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड जैसे सीरस और प्लूटो पौने ग्रह कहे जा सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और हम अब चर्चा करेंगे सौरमंडल में पृथ्वी पे। बच्चों, आकार की दृष्टि से ये पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है और अगर हम बातें करें सूर्य से दूरी के तो ये पृथ्वी जो है वो तीसरा ग्रह है, जैसे कि आप इस चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, पृथ्वी आंतरिक ग्रहों में सबसे बड़ा है और हम लोग जो है वो पृथ्वी पे ही रहते हैं। बच्चों, यह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊर्जा सूर्य से प्राप्त करता है जो पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा है। यह ध्रुवों के पास से थोड़ी चपटी है और इसी कारण इसके आकार को भूआप कहा जाता है। भूआप का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। बच्चों, जहां की वायु में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन आदि गैस पाए जाते हैं जो कि जीवन के लिए अनुकूल है। इसके अलावा यहाँ पे जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियों में पानी, हवा आदि भी पाई जाती हैं और साथ ही साथ पृथ्वी ना तो ज्यादा गर्म है और ना ही ज्यादा ठंडा, इसी वजह से यहाँ जीवन भी है। और बच्चों, इसी वजह से जो है पृथ्वी को सौर मंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना जाता है। बच्चों, जो पृथ्वी है वो नीला ग्रह भी कहलाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष से देखने पे पृथ्वी का जो रंग है वो नीला दिखाई पड़ता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी पे दो तिहाई सतह पानी से ढका हुआ है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौर मंडल को जारी रखते हुए अब चर्चा करेंगे चंद्रमा अर्थात मून पे। बच्चों, हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह जो है वो है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का केवल एक चौथाई है, परंतु फिर भी सवाल उठता है कि ये बड़ा क्यों दिखता है। ये बड़ा इसलिए दिखता है क्योंकि ये हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा नजदीक है। अर्थात बात करें तो ये पृथ्वी से लगभग 384,400 किलोमीटर दूर है। बच्चों, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है और लगभग इतने ही समय में ये अपने अक्ष पे एक चक्कर लगाता है। बच्चों, चंद्रमा हमारे निवास के अनुकूल नहीं है क्योंकि यहाँ पे ना तो पानी है और ना ही वायु। इसकी सतह पे पर्वत, मैदान और गड्ढे भी हैं। बच्चों, चंद्रमा की सतह पे जो है वो
वो छाया बनता है और पूर्णिमा के दिन रात में चंद्रमा पे इसकी छाया को देखा जा सकता है। बच्चों, चंद्रमा सूर्य की किरणों को पृथ्वी पे परावर्तित करता है, जिसके कारण पृथ्वी को रात में प्रकाश मिलता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए हम अपनी चर्चा सौरमंडल को जारी रखते हैं और अब हम चर्चा करेंगे शुक्र ग्रह अर्थात एस्ट्रोइड्स पे। बच्चों, तारों, ग्रहों तथा उपग्रहों के अतिरिक्त असंख्य छोटे खगोलीय पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इन पिंडों को ही शुद्र ग्रह या एस्ट्रोइड्स कहते हैं। बच्चों, ये आकार में ग्रहों से तो छोटे होते हैं पर उल्का पिंड से बड़े होते हैं। बच्चों, ये जो है मुख्यतः मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं। बच्चों, वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध ग्रह ग्रह के ही भाग होते हैं जो कई वर्ष पहले विस्फोट के बाद ग्रहों से टूट के अलग हो गए होंगे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अपनी चर्चा सौरमंडल पे जारी रखते हुए अब हम चर्चा करेंगे उल्का पिंड पे। बच्चों, आपने देखा होगा कि आकाश में कभी कभी एक ओर से दूसरी ओर अत्यंत वेग से जाते हुए अथवा पृथ्वी पे गिरते हुए जो पिंड दिखाई देते हैं उसे ही हम उल्का कहते हैं। और बच्चों, उल्काओं का जो अंश वायुमंडल में जलने से बच के पृथ्वी तक पहुंचते हैं उसे उल्का पिंड कहते हैं। बच्चों, खुले आकाश में एक ओर से दूसरी ओर तक फैली चौड़ी सफेद पट्टी लाखों तारों का समूह है और यह पट्टी आकाशगंगा कहलाती है। बच्चों, ये आकाशगंगा करोड़ों तारों, बादलों तथा गैसों की एक प्रणाली है और इस प्रकार की लाखों आकाशगंगाएं मिलके ब्रह्मांड का निर्माण करती हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए अब हम चर्चा करेंगे मानव निर्मित उपग्रह पे। तो बच्चों, सबसे पहले हम ये जान लें कि मानव निर्मित उपग्रह जो है वो वैज्ञानिकों के द्वारा बनाया गया एक कृत्रिम पिंड है अर्थात आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। बच्चों, इसका उपयोग जो है ब्रह्मांड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के साथ साथ पृथ्वी पे संचार माध्यम के लिए भी किया जाता होगा। अर्थात आपने सुना होगा कि जब आप इंटरनेट यूज करते हैं या मोबाइल चलाते हैं उसमें जो सिग्नल आता है या जिसे आप टावर कहते हैं तो वो जो है आपने सुना होगा कि ये सैटेलाइट के द्वारा कैच करता है। तो बच्चों, ये सैटेलाइट ही जो है वो कृत्रिम पिंड अर्थात आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट है। बच्चों, अब हम जाने कि ये कैसे कार्य करता है। तो इनको जो है रॉकेट के द्वारा अंतरिक्ष में भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। बच्चों, कुछ इनके एग्जाम्पल है जैसे इनसेट, एडुसेट, IRS इत्यादि। और इन मानव निर्मित उपग्रहों का उपयोग जो है रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, मोबाइल, इंटरनेट जैसी सेवाओं में किया जाता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और अब चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या सीखा। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने सौरमंडल में ग्रहों की चर्चा को जारी रखा था। इसके अलावा सौरमंडल में चंद्रमा, शुद्र ग्रह और उल्का पिंड पे भी चर्चा की। बच्चों, हमने मानव निर्मित उपग्रह पे भी चर्चा की और इसका रेफरेंस है भूगोल कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक। बच्चों, अब हम अगले वीडियो में प्रश्न उत्तर हल करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।